नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नल जल योजना जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना रही है और सबसे ज्यादा विवाद भी इसी योजना में हो रही है। इस योजना में अनुरक्षक यानी नल जल योजना के पंप ऑपरेटर, पूर्व वार्ड सदस्य, नए वार्ड सदस्य और मुखिया प्रतिनिधि के बीच हमेशा विवाद होते रहता है। ऐसे ही समस्तीपुर जिला के पूसा से नल जल योजना की समस्या सामने आई है। दक्षिण हरपुर पूसा पंचायत के मुखिया विजय कुमार शाह और वार्ड सदस्य अखिलेश कुमार राम को पंप ऑपरेटर के द्वारा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। दोनों प्रतिनिधियों को अनुमंडलीय अस्पताल पूसा में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है, जहां डॉक्टर राम कुमार पंडित और मृत्युंजय कुमार झा के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुखिया के द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 14 निवासी विनोद कापर की लड़की की शादी थी, जिसको लेकर पानी चलाने के लिए पंप ऑपरेटर से आग्रह किया गया। इसी बीच कहा सुनी हुई और विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पंप ऑपरेटर के द्वारा मनमानी तरीके से नल जल योजना का संचालन किया जाता है। बिहार के जितने भी नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है, अधिकतर जगहों पर ऐसी शिकायत मिल रही है। बहुत ऐसे भी जगह हैं जहां नल जल योजना के पानी से व्यापार किया जा रहा है। कहीं भाड़े पर खेत पटाया जा रहा है तो कहीं पर्सनल यूज के लिए रखा गया है। ऐसी शिकायत अगर आपके यहाँ भी आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।